व्याख्या करते हैं कि अंतर्यामी भगवान तो सब में है
और जो भक्ति के द्वारा योग के द्वारा साधन भजन करके उनका अनुभव प्राप्त करेगा कि जीव योन प्रचोदया वो हमारी बुद्धि के प्रेरक हमारे हृदय में है, उनको उनका अनुभव होगा। और जो अवतार काल में रहते हैं, अवतार के समय जो अवतार रूप को प्रत्यक्ष देखते हैं, और जो नित्य गोलोक धाम में जो भगवान की लीला होती है, उसको जब प्रेमी भक्तों को अमानव पुरुष देख जाएगा उस लोक में, वैकुंठ में, गोलोक में, साकेत में, तो वहाँ उसका अनुभव होगा। परंतु ये अवतार काल जो होता है, इसमें वही का वही एक नित्य प्रकाश, नित्य अप्रकट प्रकाश रूप से रूप रहता है और वहाँ के भक्तों को अनुभव होता है। तो ये तो बहुत जो संप्रदाय के जानकार हैं, उनको मालूम है श्री रामानुज संप्रदाय में 12 प्रकार के विष्णु माने जाते हैं। एक ही विष्णु 12 प्रकार के होते हैं। श्री कृष्ण के विरह का जो प्रसंग है वो अद्भुत है। आपको क्या सुनावे हैं, अवतार में भी श्री कृष्ण को अवतार नहीं मानते हैं रसिक लोग, अवतारी मानते हैं। जैसे गीत गोविंद का जो हम श्लोक पढ़ते हैं, दशाकृति कृते कृष्णाय तुभ्यं नमः, तो वहाँ मत्स्य कच्छा बरा नृसिंह बामन परशुराम राम, फिर बलराम को एक अवतार माना है, बुद्ध कल्पित, कृष्ण को अवतार नहीं माना है। अलंकलयते छत्रक्षते अलंकलयते का बलराम के रूप में अवतार होता है, बलराम अवतार है, कृष्ण अवतार नहीं है। दशाकृति कृते कृष्णाय तुभ्यं नमः, इन 10 अवतारों के अवतारी हैं। ये श्लोक आप लोगों का बहुत पहचाना हुआ होगा, इसलिए मैंने आपका ध्यान खींच लिया कि अवतार बलराम हैं और बलराम के रूप में प्रकट होने वाले कृष्ण हैं। अच्छा, एक बात आपके ध्यान में होगी, वैष्णव संप्रदाय में एक विष्णु भगवान को गोरा माना जाता है, गोरे रंग का। वो श्वेत द्वीप में रहते हैं, श्वेत द्वीपाधिपति, और वहाँ का स्त्री पुरुष भगवान का रंग, वहाँ का वस्त्र, वहाँ पीताम्बर नहीं धारण करते, सफेद ही कपड़ा पहनते हैं। वहाँ के वृक्ष लता गाय मनुष्य सब गौर वर्ण के ही होते हैं। वो वहाँ अनिरुद्ध रूप में भगवान निवास करते हैं। अच्छा, और ये बात आप लोग प्राय बोलते रहते हैं पर ध्यान में नहीं आती होगी, शुक्लाम्बरधरम विष्णु शशि वर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्व विघ्नों को शांत है। शुक्लाम्बरधरम माने पीताम्बरधरम नहीं होता, श्वेत रंग का वस्त्र धारण करते हैं और उनके शरीर का रंग श्याम नहीं है, शशि वर्णम चतुर्भुजम चंद्रमा का जैसा रंग होता है ऐसे गोरे रंग के हैं। तो अनिरुद्ध लोक के विष्णु, प्रद्युम्न लोक के विष्णु, संकर्षण लोक के विष्णु, ये चतुर्व्यूह है, नारायण के ये चतुर्व्यूह है। और नारायण रूप में विष्णु अगणित रूप भगवान के होते हैं। अब एक रहस्य की बात आपको सुनाते हैं, तो इस पर जो बड़े बड़े महापुरुष हैं उनका तो ध्यान गया है। जीव बहुत साधन करे, बहुत भक्ति करे, बहुत परिश्रम करे, तब वो वैकुंठ में जाएगा और भगवान को मिलेगा। ये तो हुआ जीव का प्रयत्न भगवान से मिलने के लिए, लेकिन भगवान भी जीव से मिलने के लिए कभी कोई प्रयत्न करते हैं कि नहीं करते हैं? सारा साधन सारा प्रयत्न जीव के ही जिम्मे है,
और भगवान के जिम्मे नहीं है। भगवान जीव से मिलने के लिए क्या कभी कोई प्रयास नहीं करेंगे? तो ये जथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् में हम की क्या गति होगी? जो जैसे मेरी शरण में आता है मैं वैसे ही उसकी सेवा करता हूँ, संबंध के अनुरूप। जैसा संबंध हम भगवान के साथ जोड़ते हैं वैसे ही संबंध भगवान भी हमारे साथ मानते हैं। जब हम अपनी मलिनता छोड़कर और भगवान के धाम में जाकर भगवान से मिलते हैं तो भगवान अपनी निर्मलता छोड़ करके भी, मलिन हो करके भी हमारे पास आते हैं और हमसे मिलते हैं। नहीं तो फिर क्या बराबरी? जब जीव अपनी मलिनता, अपना स्वभाव, अपने कर्म, अपने धर्म, अपनी उपासना सब छोड़कर भगवान के पास मिलने के लिए जाता है तो भगवान अपना सारा बड़प्पन छोड़ करके भगवान के घर मिलने के लिए नहीं आएंगे? तो ये है एक बात, हमको स्मरण है, मैं बच्चा तो नहीं था, हमारी उम्र बड़ी थी, 32-35 वर्ष का तो होऊंगा मैं उस समय। काशी में एक शास्त्र क्लास हुआ, पंडितों में, पंडित सभा की, विद्वानों की सभा, शास्त्रार्थ हुआ। तो एक नील मेघाचार बड़े प्रमुख विद्वान थे, खास करके वेदांत शास्त्र के। तो उन्होंने ये स्थापना की शास्त्रार्थ में कि जीव ईश्वर दोनों कभी एक में मिल नहीं सकते, नितांत एकता नहीं हो सकती, क्योंकि जीव में इतनी मलिनता है, इतने दोष हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इतने दोष हैं कि ये भगवान से जब मिलेगा तो भगवान में भी दोष आ जाएंगे। कोई शरीर में गंदगी कूद के और शुद्ध आदमी से मिले तो शुद्ध आदमी के शरीर में भी उसकी दुर्गंध आ जाएगी, तो भगवान में भी दुर्गंध आ जाएगी। तो हमारे पंडित कमलाकांत मिश्र थे, वो भी वेदांत के बड़े प्रौढ़ काशी में पंडित माने जाते थे। वो हमारे पढ़ने के समय के विद्वान दूसरे थे, ये तो हमारे बड़े होने, सन्यासी होने के बाद के विद्वानों के दर्शन करता। उन्होंने कहा देखो आचार्य जी, मिलने के बाद कौन क्या होगा ये बात पीछे करना, पहले दोनों को मिल जाने दो, पहले मलिन जीव और सुख ईश्वर दोनों को एक में मिलने दो। अब यदि जीव की मलिनता बलवान होगी तो वो रहेगी और ईश्वर की शुद्धता मिट जाएगी, और ईश्वर की शुद्धता बलवान होगी तो वो रहेगी, जीव की मलिनता मिट जाएगी। अब देखो ईश्वर की शुद्धता बलवान है कि जीव की मलिनता बलवान है? महाराष्ट्र विद्वानों ने उनकी युक्ति की बड़ी भारी सराहना की, सब वहाँ गोपीनाथ कविराज बैठे थे, राजेश्वर शास्त्री द्रावण बैठे थे, तो पहले मिलने को दो। तो ईश्वर को जीव से मिलने में तो ये डर नहीं रहता है कि हम इसके साथ मलिन हो जाएंगे। ये जथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, जैसे जीव अपना सब कुछ निछावर कर देता है भगवान पर, वैसे भगवान जी अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं भक्त पर, सब कुछ निछावर करके भगवान भक्त से मिलते हैं। तो जैसे जीव जाता है भगवान के पास, वैसे भगवान आते हैं जीव के पास। और जिस दोष दुर्गुण को धारण करके जीव बंधा हुआ है, आप बिल्कुल आश्चर्य मत करना भगवान के स्वभाव में। यदि जीव चोर हो गया है तो भगवान भी चोर होके और उसका उद्धार करते हैं, यदि जीव व्यभिचारी हो गया है तो भगवान भी व्यभिचारी होकर के उसका उद्धार करते हैं, यदि जीव पाप करता है तो भगवान भी पाप करके उसका उद्धार करते हैं, क्योंकि जीव को तो पाप होने लगता है, भगवान को तो लगता ही नहीं है। इसी से जब हम ब्रज की लीला पर ध्यान देते हैं
ब्रज की लीला पर ध्यान देते हैं और किसी के घर में माखन चोरी कर रहे हैं, तो कहीं बीटा बन रहे हैं, तो कहीं छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो कहीं बंध रहे हैं, तो कहीं डांटे जा रहे हैं, तो कहीं रो रहे हैं, सामाम विमोहयति भी रवि जगदे रहती जाते बसात को कलिला अंजल दौतम, आंखों में आंसू बह रहे हैं, कागल कपोल पर आ रहे हैं और रो रहे हैं मैया मैया करके, क्योंकि द्वार पकड़ना सही सिखाया। यदि जीव रोता है तो भगवान भी रोते हैं, जीव गिरता है तो उसके साथ भगवान भी गिरते हैं, यदि भक्त अघासुर के मुंह में जाता है तो भगवान भी अघासुर के मुंह में जाते हैं। ये भगवान की ऐसी ऐसी मूर्ति है महाराज, तो वियोग देखो अंतर्यामी से कभी हो नहीं सकता, वो तो हमारे हृदय में ही बैठे हैं एक बात। और जो भगवान का अप्रकट प्रकाश है वृंदावन में, उससे भी वियोग नहीं हो सकता। जो आत्म रूप से भगवान है, गोपियों ने जिनकी स्थापना की है, कृष्णो भवान तनुव्रतां कुल बंधुरात्मा, आप तो हमारे आत्मा ही है, गोपियों ने ही पहले कहा है, उससे भी वियोग नहीं हो सकता। और ब्रज भयारती हैं, जो स्वयं ब्रज की भय और आरती को हरण करने के लिए प्रकट हुए हैं, दोनों बात ब्रज भयारती हैं, वीर जोशिता और ब्रज जनार्ती हैं, व्यक्तम भवान ब्रज जनार्ती हरो भी जातो देवो यथादि पुरुषः सुरलोक गोप्ता। तो जो ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए रहते हैं, वो तो कभी ब्रजवासियों को छोड़कर जाते ही नहीं है। गोपियों को ध्यान आया कि क्या बात कह रहे हैं कि हमसे इनका कभी वियोग नहीं है, तो देखो भाई जिससे बात करी जाए उसकी समझ में आनी चाहिए। हम बड़ी बड़ी पंडिताई की बात करें और सुनने वाला उसको समझे ही नहीं, तो वो समझाने का दोष है, समझाने का ढंग ऐसा होना चाहिए कि हमारे हृदय की बात हमारा श्रोता समझ जाए। भक्तुरे वही तज्जाग्यम श्रोता यत्र न बुद्ध्यते। अब भगवान समझा रहे गोपियों को कि देखो इस समय भी हमारा तुम्हारा विवाह नहीं है, ये बात गोपियों की समझ में कैसे आवे। भगवान ने उसके लिए कहा कि जामया क्रीडता रात्रियां बलेस्मिन ब्रजे आस्थिता अलब्ध राता कन्याण्यो माहुर मदवीर के चिंतया। अरे गोपियो, भगवान का संदेश सुनो जी, सुना रहे भगवान के हृदय में बैठकर भगवान ही बोल रहे, उद्धव जी के हृदय में बैठकर भगवान ही बोल रहे, उद्धव जी की तो उत्सव मूर्ति है। सारी गोपियों, तुम में कोई वो गोपी है क्या? और गोपियों ने देखा कौन सी गोपी महाराज आप किसको पूछ रहे हैं, तो हम उसको पूछ रहे हैं कि रास विलास के दिन जिस गोपी को उनके संबंधियों ने घर में रोक लिया था, वो कोई गोपी यहाँ है कि नहीं? कहे महाराज हम है, हमको उस दिन नहीं आने दिया था। तो उस दिन क्या हुआ बताओ तो, जामया क्रीडता रात्र्याम, रात्र्याम अस्मिन वृंदावने मई क्रीडति सति। जब मैं रात के दिन जिस वृंदावन में क्रीडा कर रहा था, काश्चिन्नागता कोई आ गई और कोई नहीं आई, कि जो आ गई उनको हम मिले और जो नहीं आई उनको मिलेगी नहीं, तुम लोग अलग अलग हो जाओ, जरा बंटवारा तो करो। जो जो रात लीला में वन में आ गई थी वो अलग, और जो नहीं आई थी सो अलग। अच्छा जी, वो तो नहीं आ सकी, उनके दरवाजे तो बंद हो गए, अंतर गृहता काश्चित गोपियों अलग हो विनिर्गमा, उनको तो इतना भी क्षेत्र नहीं मिला निकलने के लिए कि उसमें से चिड़िया भी उड़ के चली जाए, जिससे बीमारे पक्षियों का भी निर्गम हो सके, इतना भी रास्ता नहीं मिला।
अब उनसे जरा पूछो तो कि क्यों जी तुम तो नहीं आ सकी, पर भगवान तुम्हारे पास पहुंच गए कि नहीं। महापुर मंदिर ने चिंतया, जब वो हमारे ध्यान में मग्न हुई तो जैसा समागम रास विलास में आने वाली गोपियों के साथ हुआ, वैसे ही रास विलास घर में बंद गोपियों के साथ हुआ कि नहीं हुआ, ले लो गवाही। प्रत्यक्ष में प्रमाण की क्या आवश्यकता है? दृष्टि किमानुपन्नम नाम, जब बात बिल्कुल साफ साफ दिख रही है कि जो नहीं आई उनको भी मैं वैसे ही मिल गया घर में, और जो यहाँ आई उनको भी ऐसे ही मिला, तो जो आई वो स्वयं आके मेरे पास मिले, और जो नहीं आई उनके पास स्वयं जाके मैं मिला, और बंद घर में भी हमको संयोग की प्राप्ति, उनको संयोग की प्राप्ति हुई। असल में भगवान तो प्रेम में निवास करते हैं, हम जहाँ सच्चा प्रेम है वहाँ भगवान न कभी गुप्त है, न कभी लुप्त है, न कभी सुप्त है, वो तो अब प्रकट जो प्रकाश है वो उनके सामने प्रकट हो जाता है, और वो कितना होता है, एक होता है या अनेक होता है। तो ये बात आपको द्वारका लीला में भी मिलेगी कि प्रत्येक पत्नी के घर में भगवान का अलग अलग प्रकाश रहता है। ये बात आपको ब्रज में भी मिलेगी कि प्रत्येक गोपी के साथ भगवान अलग अलग रात करते हैं। कृत्वा तावंत मात्मानम यावतीर ब्रज दोषिता, गिनती में जितनी गोपियां थी उतने कृष्ण उनके साथ प्यार कर रहे थे। तो देखो अब जब कृष्ण ऐसे हैं कि जितनी गोपी हैं उतना होकर के विहार करें, और जब इतने हैं कि जितनी पत्नी हैं उतने होकर विहार करें, और जब श्री कृष्ण ऐसे हैं कि बंद दीवाड़ी में भी भीतर ही मकान में पहुंच करके गोपी के साथ विहार करें, ये तो तुमको प्रत्यक्ष है, तो तुमको विरह का अनुभव कैसे होता है? अब ये बताओ कि तुमको विरह का अनुभव कैसे होता है? अलम धराता कल्याणियों महापुर मदवीर ये चिंतया, तुम्हें विरह का अनुभव क्यों होता है? जब श्री कृष्ण प्रत्येक पत्नी के साथ अलग अलग रह सकते हैं उतने प्रकाश है। असल में श्री कृष्ण है चंद्रमा, और चंद्रमा की होती है 16 कला। चंद्रमा माने आह्लाद प्रधान हो, सूर्य जो है वो प्रकाश प्रधान है, और चंद्रमा जो है वो आह्लाद प्रधान है। आह्लाद माने एक रसीला आनंद, आह्लाद माने रसीला आनंद, जैसे रद लाद राद हृदय राद हृदय रभेद राद लाद, जैसे एक तरंगायमान समुद्र हो वैसे जहाँ ब्रह्मा आनंद तरंगायमान हो करके शांत होता है तो ब्रह्मानंद बोलते हैं, और जब तरंगायमान होता है तब उसको बोलते हैं आह्लाद। तो सूर्य में प्रकाश की बुद्धि की ताप की प्रधानता है, वो सौर शक्ति है, और चंद्रमा में आह्लाद की रस की प्रधानता है। पुरुष में भी 16 कला है और चंद्रमा में भी 16 कला है। 16 कला पुरुषा, ये पुरुष जो है इसमें 16 कला है और चंद्रमा में भी 16 कला है। 16 कलोयम पुरुषा, तो ये पुरुष है 16 कला, चंद्रमा में 16 कला है। प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा पर्यंत 15 और एक अमावस्या 16, ये 16 जो नित्याय हैं, और उसके सिवाय प्रश्नों परिषद में 16 कलाओं का अलग रूप से वर्णन है, इंद्रियों के रूप में मनोवृत्तियों के रूप में 16 कला। तो चंद्रमा की होती है 16 कला, और एक एक कला में सहस्त्र सहस्त्र रश्मि निकलती है, किरणें। चंद्रमा की एक एक कला की 16 सहस्त्र किरणें होती हैं, तो वो हो जाती हैं 16,000। तो जैसे चंद्रमा अपनी 16
सोलह कला, सोलह कला में और एक एक की सोलह सोलह रश्मियों के, सोलह हजार हजार रश्मियों के साथ जैसे चंद्रमा का विहार होता है, वैसे भगवान का वर्णन करने के लिए और चंद्रमा के रूप से परमात्मा का निरूपण करने के लिए आह्लाद रस देने वाले भगवान उनकी सोलह नित्याएं, ये नित्य हैं, माने चंद्रमा चाहे कहीं भी रहे ये नित्य उनके साथ जुड़ी रहती है, नित्या इनको बोलते हैं। और उनकी होती है एक एक की हजार हजार रश्मि, हजार हजार किरणें, और वो सारी की सारी रसमयी होती हैं। तो चंद्रमा उनके साथ, चंद्रमा जैसे अपनी किरणों के साथ अपनी कलाओं के साथ नित्य रास विलास करता है, वैसे भगवान भी अपनी सोलह कला मुख्य और एक एक किरण जब आरूढ़ होते हैं, माने चंद्रमा एक और उनमें से निकली सोलह कला और एक एक कला में से हजार हजार किरणें हो गए, और चंद्रमा का जो रस है वो सब में आ रहा है, चंद्रमा सबको रसदान कर रहा है। इस बात को ध्यान में रख करके षोडश कलो वही पुरुष, ये श्रुति का वचन है, और उन सोलह कलाओं को लेकर फिर उनकी शास्त्र शास्त्र किरणों को लेकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र के आह्लादमय विहार का वर्णन करते हैं। तो आह्लादायी है, आह्लादायी है श्री कृष्ण। और बोले भाई वो कभी कभी छिप भी जाते हैं, कहा अमावस्या के दिन छिप भी जाते हैं, अमावस्या के दिन छिप जाते हैं, और कभी अपनी पूरी ज्योत्सना के साथ प्रकट होते हैं, और कभी किंचित न्यून ज्योत्सनाओं के साथ प्रकट होते हैं। तो ये सारा का सारा जो विहार है रसमय विहार, इसी से रसानाम समूहो राजा राज क्या है का, ये रसों का समूह है, रसों का समूह इसका नाम है राज। रस एव राजा, रस स्वरूप जो भगवान है तो वही राज है। नाट्य शास्त्र में ऐसा वर्णन करते हैं कि ये जो राज लीला है वो हल्लीसक नृत्य है। हल्ली नृत्य के जो बहुत सारे भेद होते हैं नृत्य शास्त्र में, नृत्य के बहुत से भेद हैं। अब हम लोग तो जो लौकिक नृत्य है ना उसकी बात जानते हैं, जो हमारा प्राचीन नाट्य शास्त्र है, बड़े बड़े हो हमारे श्री कृष्ण आह्लाद पुरुष है, आह्लाद पुरुष। आह्लाद पुरुष का अर्थ यह होता है कि वो शांत आनंद नहीं है, वो लहराते हुए आनंद है, थिरकते हुए आनंद है। ब्रह्म होगा शांतानंद, तो श्री कृष्ण है विक्षिप्तानंद, विक्षिप्तानंद नृत्यानंद, नृत्यानंद आनंद उल्लसित हो रहा है, आनंद थिरक रहा है। तो इनमें और नृत्य भी है, नाचना है, इनमें संगीत भी है, गाना भी है, इनमें वाद्य भी है, बांसुरी बजाते हैं, का इनमें अभिनय भी है, अभिनय भी है, नाना प्रकार के नाट्य भी करते हैं। ये जो उपवेद है चारों, चारों उपवेद जो है ना, चारों आयुर्वेद चिकित्सा भी करते हैं श्री कृष्ण। महाभारत में वर्णन है घोड़ों की दवा करते हैं, चिकित्सा शास्त्र में भी बड़े निपुण है, आयुर्वेद धनुर्वेद युद्ध भी करते हैं, स्थापत्य वेद द्वारका को बताते हैं, कला कौशल और गांधर्व वेद। तो गांधर्व वेद के ये चार रूप जो है संगीत नृत्य वाद्य और अभिनय, ये चारों प्रकट हैं। तो सदंश की प्रधानता से जहाँ राम है और चिदंश की सदंशमान धर्मां, रामो विग्रहवान धर्मां, सत्य की प्रधानता से राम है, रामो द्विर्ना विभाषक है, राम एक बात को दो बार नहीं बोलते हैं, रामो द्विर्ना विभाषक है, राम एक बात को दो बार नहीं बोलते, बोल दिया तो बोल दिया, जिस धर्म नारी संदत्ते जिस स्थापितान दुर्दापि नचार की यह रामो द्विर्ना विभाषते, रामो विग्रहवान धर्म, सत्य की प्रधानता से रामा अवतार है और ज्ञान की प्रधानता से कपिलादि अवतार है, और आनंद की इसी आह्लाद की प्रधानता से श्री कृष्ण अवतार है।
है सच्चिदानंद स्वयं, लेकिन प्रधानता श्री कृष्ण में आह्लाद की है, इसलिए उनको चंद्रमा कह करके 16 कला और 16 कलाओं के सहस्त्र सहस्त्र उनकी किरणें और इनको लेकर के भगवान का आह्लादमय वर्णन करते हैं। तो ये जो हल्ली तक नृत्य होता है राज में, उसमें नट होता है एक और नदी होती है अनेक, परंतु नट अपने स्थान पर रह करके इतनी स्फूर्ति से नृत्य करता है कि 100-100 हजार हजार लाख लाख नाइट नदियां यदि उसके साथ नृत्य करती हो तो सबको यही अनुभव होगा कि वो मेरे साथ नाच रहा है। जिस गोपी को उनके संबंधियों ने घर में रोक लिया था, रास में नहीं पहुंच सकी, घर में रुक गई, लेकिन उसके हृदय में जो तीव्र संवेग था भगवान से मिलने के लिए, योग दर्शन में सूत्र आता है तीव्र संवेगाराम आसन्नः, जिसके हृदय में भगवान से मिलने के लिए तीव्र संवेग होता है उसके पास ही भगवान होते हैं। ये वर्णन तो समाधि के लिए है, तीव्र संवेगाराम आसन्नः, तो जिसके हृदय में तीव्र संवेग होता है उसको समाधि तत्काल लग जाती है, आसन नए समाधि। ऐसे जिसके हृदय में तीव्र संवेग होता है उसको भगवान वही, क्योंकि संवेग के आधार वही है अधिष्ठान, संवेग के प्रेरक वही है, क्योंकि संवेग उनसे मिलने के लिए त्वरा उतावली हो, उनसे मिलने के लिए लोलता व्याकुलता, संवेग माने भगवान से मिलने के लिए लोलता व्याकुलता संवेग, जहाँ जिस अधिकरण में जिस पात्र में उदय होता है वो पात्र भगवान है, और जो उसका प्रेरक है उद्गम है सो भगवान है, और जिससे भगवान मिलना चाहते हैं अपनी इच्छा से उसके हृदय में संवेग उत्पन्न कर देते हैं, और भगवान की माया ही ऐसी है, ये माया है क्या अचिंत शक्ति, कि भगवान के मिले रहने पर भी उनको अनमिला दिखा करके किसी को संसार में भटका देती है और किसी को उनकी प्राप्ति के लिए व्याकुल कर देती है। और कोई कोई ऐसे होते हैं कि भगवान के रहते हुए भी उनको पहचान न सके, तो ये भगवान के संबंध में जो अनेक अनेक प्रकार की रीति है, भगवान सर्वात्मा है, तो भगवान ने गोपियों से पूछा कि भाई अपने संदेश में पूछा कि क्यों गोपियों, तुम्हारा दरवाजा तो बंद था और तुम्हें रोकने वाले खड़े थे दरवाजे पर और तुम बंद हो गई घर में, तो उस समय मैं तुम्हारे पास आ गया कि नहीं, आ गए, कहा जैसे रास विलास होता है वैसे रास विलास तुम्हारे साथ किया कि नहीं किया, कहा तुमको संभोग श्रृंगार की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई, कहा हुई महाराज, कहा जितना कल्याण रात में आने वालियों का हुआ उतना ही कल्याण तुमको घर में रहते हुए मिला कि नहीं मिला, कब मिला, कहा अच्छा आप देख लो गोपियों, जब बंद कमरे में मैं प्रकट होकर के मिल सकता हूँ रास कर सकता हूँ तो तुम कहीं भी हो मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो सकता हूँ, भवती नाम वियोगों में नहीं सर्वात्मना क्वचित, एक अवतार काल में जो रूप प्रकट होता है उसी से तो तुम्हारा वियोग हुआ, न आत्मा से वियोग हुआ, न अंतर्जामी से वियोग हुआ, न प्रकट प्रकाश से वियोग हुआ, और न तुम्हारी व्याकुलता से, न तुम्हारी व्याकुलता से वियोग हुआ, वियोग कहाँ है, जैसे उनको मैं मिल गया उनके बंद घर में वैसे आज तुमको भी मैं मिल रहा हूँ, जरा ध्यान तो दो, हमको आत्मा कह दिया, हमको अंतर्यामी कह दिया, हमको ब्रह्मा का बुलाया हुआ कह दिया, और हमको सब जगह तुमने देख लिया, और हम बिना किसी ज्ञान के, बिना किसी ध्यान के, बिना किसी योग के, बिना किसी सत्कर्म के, जैसे हम अपनी इच्छा से सृष्टि बनाते हैं वैसे हम अपनी इच्छा से मिल भी लेते हैं, जरा तुम आँख खोल के देखो तो, महापुर मद बीर्ज चिंतया एवं प्रियतमादिष्टम
आकर्ण्य व्रज जोषितः ऊचुः उद्धवम् प्रीताः तत्सन्देशागत स्मृतिः एवं प्रियतमा। अब सुखदेव जी महाराज बोलते हैं कि उद्धव जी के मुंह से जो बोलना था वो भगवान ने बोल दिया। प्रियतमादिष्टम, ये जो उद्धव जी की वाणी है ये उद्धव जी की वाणी नहीं है, ये प्रियतम का आदेश है। प्रियतमादिष्टम, अब देखो इसमें दो बात बना दी, एक तो प्रियतम और एक आदेश। आदेश जहाँ होता है वहाँ धर्म होता है, वो कर्तव्य हो जाता है। भगवान कोई आदेश दें, स्वयं अपने श्रीमुख से दें, वेद के द्वारा दें, तो भगवान का जो आदिष्ट है वो धर्म, वो कर्तव्य है। और यदि प्यारे का आदेश हो तो प्रियतम हो ना, अतिशयन प्रिय प्रियतर अतिशयन प्रिय प्रियतम, जिनसे बड़ा प्यारा और कोई नहीं है, उस आदेश में रस आ गया हो। राजा के आदेश में सूखा कर्तव्य होता है और प्रियतम के आदेश में रस होता है, वह हमको अपना समझ के, अपना प्यारा समझकर अपने दिल की बात बोल रहे हैं ना। अरे कह रहे न तू कह रहे थे थोड़ी बतावेंगे कि हमको क्या चाहिए हमको क्या नहीं चाहिए। ये तो जो अपना बहुत प्रियतम, बहुत विश्वास पात्र होगा उसी को तो आदेश देंगे। तो प्रियतमेन आदिष्टम, प्रियतमादिष्टम अथवा प्रियतमाभ्यः आदिष्टम। और प्रियतमादिष्टम, भगवान ने किसी नौकर चाकर को आदेश नहीं दिया है, अपनी प्रियतमा को, अपनी प्रियतमा को आदेश दिया है। व्याकरण महाराज प्रियतम और प्रियतमा में कोई भेद नहीं करता है, ये तो विशिष्ट आकृति प्रदान कर देना मात्र व्याकरण का काम है। व्याक्रियन्ते शब्दाः अनेन, व्याक्रियन्ते विशिष्टाम आकृतिम आपाद्यन्ते, एक शब्दों को विशिष्ट आकृति देना व्याकरण का काम है, वो प्रियतम के लिए है कि ये प्रियतमा के लिए है। जिसको आदेश दिया गया उसकी विशेषता है, है? जिसने आदेश दिया उसकी विशेषता है। और एक गोपी जा रही थी महाराज, श्री कृष्ण ने छेड़ दिया, अरे वो गोपी सुन क्या पीछे पड़े रहते हो हर समय, तो देख एक बात तुमको सुनाता हूँ, कदम्ब तरे आ जाइयो कटीरे काजर वारी, है ना, ये ब्रज में बोलते हैं। अब देखो सबसे थोड़ी कह सकते हैं कि कदम तरे आ जाइयो, जिसके ऊपर विश्वास है उसी को न कहेंगे कि कदम तरे आ जाइयो। तो महाराज भगवान भी जैसे भक्त लोग भगवान के पीछे पड़े रहते हैं, वैसे भगवान भी भक्तों के पीछे पड़े रहते हैं। और भक्तों को अकल भी बहुत आती है, भक्त लोग भगवान से मिलने के लिए बड़ी बड़ी अकल लगाते हैं। एक दिन क्या हुआ, श्री कृष्ण से एक गोपी की तय हो गई थी कि प्रातः काल हम तुम्हारे बगीचे में आ जाएंगे और तुम आना, वहीं हम लोग बात करेंगे, मिलेंगे, तो तुम चले जाना, हम चले आएंगे। अब महाराज बगीचे में गई गोपी, सास जी रोज जाती थी चुनने को, फूल चुनने को सास जी रोज जाती। उस दिन गोपी बोली कि सास जी आपको सवेरे जाना पड़ता है, तकलीफ होती है, आज मैं ही आपकी पूजा के लिए फूल लाए देती हूँ। अब सास को तो बड़ा ही महाराज प्रेम हुआ कि देखो बहू इतनी है, इतनी विनय युक्त, इतनी सेवा, इतनी आज्ञाकारिणी बन गई, बहुत अच्छी, अच्छा बेटी जाओ ले आ। अब वो गई गोपी तो फूल चुने और चारों ओर देखे कि कृष्ण कहाँ कृष्ण कहाँ कृष्ण कहाँ, अब वो महाराज पधारे ही नहीं, आए नहीं। अब वो व्याकुल हो गई कि अरे सूर्योदय हो जाएगा तो हमारी साथ पूजा कैसे करेगी, बहुत नाराज होगी। अंत में वो फूल ले करके और अपने सास के पास जाने लगी, जो दरवाजे पर चढ़ी महाराज, दरवाजे पर पांव रखा, क्यों उधर बगीचे में से आवाज आई, पी बज गई बांसुरी, हो बज गई बांसुरी। अब वो समझ गई कि वो तो आ गए, तो क्या करना चाहिए, इधर सास की पूजा का समय,
और इधर उस प्यारे आ गए बगीचे में, अब क्या करना चाहिए? सो महाराज सीढ़ी पर से गिरी पट नीचे को गिरी, तो जो उसके आंचल में जो फूल था वो सब बिखर गया, बिखर गया। आवाज हुई, सास जी आई, क्या हुआ बेटी, चोट तो नहीं लगी? क्या नहीं माता जी, चोट तो नहीं लगी, लेकिन आपकी पूजा के लिए जो फूल था वो सब बिखर गया, मैं अभी अभी लेके आती हूँ आप और पूजा के लिए। फिर लौट गई महाराज, फिर उद्यान में लौट गई। तो ये गौरी गणा पाठ्य थे, ये प्रेम अध्यापक है, ये प्रेमी को सिखाता है, शिक्षा देता है भीतर से। प्रेम गुरुना गौरी गण पाठ्यते, प्रेम गुरु है और वो सबको शिक्षा देता है कि इसका इस आदेश की पूर्ति कैसे होती है। तो प्रियतमादिष्टम, ये श्री कृष्ण ने गोपियों से मिलने का उपाय बताया कि तुमको लगता है विरह, अरे तुम जरा किवाड़ी बंद करके अकेले में बैठ जाओ कि हम तो भगवान की पूजा कर रहे हैं, परमेश्वर की, नारायण की, साक्षात नारायण की पूजा, हम बड़े श्रद्धालु हैं, बड़े भक्त हैं, एकांत में बैठ के पूजा करते हैं, कोई खटपट नहीं करे, इतनी देर कोई सास ससुर माता पिता पति पुत्र कोई हमारे पास नहीं आवे, का हम तो इतनी देर भजन करते हैं, तुम किवाड़ी बंद करके बैठ जाना गोपी और देखना मैं तुम्हारे कमरे में प्रकट हो जाऊंगा और तुम जितनी देर कहोगी उतनी देर हम तुमसे मिलेंगे, बात करेंगे, हंसेंगे। अरे ये तो भाई देखो हमको बड़ी गुप्त बताई बात मिलने की, प्रिय समादिष्टम, और प्यारे की बात है, झूठी तो कभी होगी नहीं, है ना? पर आए से झूठ बोला जाता है जिसको बात जाहिर होने पर डर लगता हो। अपने प्यारे से तो कोई झूठ बोलता नहीं, तो प्रियतमेन आदिष्टम और प्रियतमाभ्यः आदिष्टम एवं प्रियतमादिष्टम आकरणीय ब्रज जोषितः। आकरणीय सुना, किन्ने सुना? गोपियों की भी विशेषता बताई, ब्रज जोषितः, ये ब्रज की ब्रजांगना है, ये साधारण अंगना नहीं है। आप देखना इनकी विशेषता कि जब ये श्री कृष्ण के पास आई तो श्री कृष्ण ने पहले धर्म का उपदेश करके और इनको लौटाना चाहा, और गोपियों ने ठीक संन्यास का वर्णन करके, कर्म संन्यास का वर्णन करके, उन्होंने कृष्ण ने गृहस्थ धर्म का उपदेश किया गोपियों को, और गोपियों ने संन्यास धर्म का वर्णन करके श्री कृष्ण की बात को काट दिया। और जब उद्धव योग का संदेश लेकर के आए, योग का ज्ञान का संदेश लेकर के आए, तो गोपियों ने प्रेम से उसको काट दिया कि ये तुमने जो ज्ञान की बात हमारे पास भेजी है, कि ये ज्ञान तुम ब्रह्म ज्ञानियों को दे दिया करो, यहाँ हमारा प्रेम इतना गाढ़ा है, इतना गाढ़ा है कि तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान हमारे प्रेम का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, हमारे गृहस्थ धर्म से बड़ा है संन्यास धर्म और ब्रह्म ज्ञान से बड़ा है ये प्रेम धर्म, तुम्हारे इस ब्रह्म ज्ञानोपदेश का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, गोपियों की ये महिमा प्रकट करने के लिए। यदि गोपियों को थोड़ा कष्ट न दिया जाए, थोड़ा वियोग न दिया जाए, हैं, और थोड़ी प्रतिकूलता उनके जीवन में लाई न जाए, तो कैसे मालूम पड़े कि गोपियों का प्रेम कृष्ण के साथ कितना है? गोपियों के प्रेम को प्रकट करने के लिए और लोग प्रेम कैसा होता है सृष्टि में इसको सीखें। मारने में भी प्रेम रहता है, बिछुड़ने में भी प्रेम रहता है, देर करने में भी प्रेम रहता है, प्रेम प्रत्येक देश में, प्रत्येक काल में, प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक क्रिया में प्रेम परिपूर्ण ही रहता है, प्रेम की कभी कमी, प्रेम की कभी न्यूनता होती नहीं। तो ये है ब्रजांगना, ब्रजांगना का ब्रज जोशिता, जोशा का अर्थ वो जोशा शब्द है ना, तो वो जुस सेवार्थक, जो सेवनार्थक जो धातु है जुस, जुसंत सेवा के अर्थ में भी है, और जिससे जूस शब्द बनता है ना, जूस है ना, क्या बनता है हिंदी में, जूस जूस बोलते हैं कि नहीं है, फल का जूस निकालते हैं, उसी से ये यकार वाला भी और चकार वाला भी,
हाँ, माने दंत भी और अंतस्थ भी, दोनों से दंत जकार से भी और अंतस्थ यारा लवा वाले या से भी और चाचा जाजा वाले जा से भी, दोनों से ये शब्द बनता है। इसलिए जोशित किसको कहते हैं? अत्यर्थ जाता अनुरागायाम च जोशिति बनिता, बनिता जनिता अत्यर्थ अनुरागायाम च जोशिति, जिसके हृदय में अनुराग का रस छलक रहा है उसको बोलते हैं ब्रजांगना, ब्रज जोशित। ये हैं ब्रज जोशित, भगवान के लिए रस लेकर के इन्होंने आगमन किया है। ब्रजंती, ब्रजंती अभिसरंती इति ब्रजा जोशिता, जो भगवान के लिए अभिसार करती हैं, जैसी नदी समुद्र से मिलने के लिए प्रवाहित होती है। ये खास तीन बात है वो ब्रज की। वहाँ एक तो निर्मल हृदय का सरोवर है, सब बोली वाली है, छल कपट किसी के अंदर नहीं है, तो उनका हृदय क्या है? निर्मल सरोवर। और उनकी दृढ़ता जो है वो क्या है? पर्वत गिरिराज, गिरिराज है उनकी दृढ़ता, और सरोवर है उनका निर्मल हृदय, और जो नदी बहती है, जो नदी बहती है वो है उनका अभिशाप। माने जैसे नदी समुद्र की ओर बहती है, ऐसे गोपियाँ सुहंस्यो बीज का सिद्ध दो हम हितवा समुत्सुका, ये गोपियों का अभिसार है। तो गोपियाँ असल में आई ही हैं इसलिए कि वो सब छोड़ छाड़ करके और भगवान की ओर अग्रसर हुए और रस दान करें। सबको रस देते हैं, सबको रस देते हैं भगवान, और भगवान को रस देती हैं गोपियाँ। सबको सुख के दाता, ये ब्रज की ये विशेषता है। ब्रज जोशी पर आपने सुना होगा, और कहीं आप जाइए, बैकुंठ में जाइए, अयोध्या जी में जाइए, द्वारका जी में जाइए, आपका हाथ नीचे होगा और भगवान का हाथ ऊपर होगा। धन लो, जल लो, बेटा लो, इज्जत लो, ऊपर ऊपर से भगवान लुटाते रहते हैं। और जब ब्रज में भगवान आते हैं तो उनका हाथ होता है नीचे, गोपी हमको दूध दे दे, दही दे दे, माखन दे दे, मलाई दे दे, भगवान का हाथ नीचे और ब्रजवासियों का हाथ ऊपर। तो ये गोरस दान करने के लिए, गोरस माने इंद्रियों का रस हो, अपनी इंद्रियों का रस श्री कृष्ण को देने के लिए ब्रजांगनाएं आती हैं। ये ब्रज की गोपियों की ये विशेषता है, ये श्री कृष्ण से रस लेती नहीं है, ये श्री कृष्ण को रस देती है। प्रेम का स्वभाव, प्रेम का स्वभाव ही यही है, तस्मिस्तु तत् सुखे सुखित्वम्। जैसे हमारे प्यारे खुश हुए, जैसे हमारे प्यारे सुखी हुए, वही करना, ये हमारे प्रेम का स्वभाव है। तो जो महाराज प्रियतम का संदेश मिला और गोपियों ने आकर्ण्या अकल लिया हो, हम लोग हिंदी में गांव में बोलते हैं, अरे भाई अकल लो, मन जब कहीं से छोटी आवाज, सूक्ष्म आवाज आती है, साफ नहीं मालूम पड़ती है, तो बोलते जरा अकलो तो, ये आकरण, आकरण करो, जरा कान को लगाओ तो ये कहाँ से आई आवाज। गोपी ने कहा है तो उद्धव जी के मुंह में से निकल रही है। ना ना, थोड़ा आकनो, आकरण, आकरण मानो कान को पूरी तरह से लगाओ। अरे ये तो उद्धव की आवाज नहीं है, ये तो उसी की आवाज है, वही बोल रहा है। अरे आवाज पहचानते हो ना, वह ध्वनि, उसकी जो वाणी की ध्वनि है वो हमारी पहचानी हुई है, वही बोल रहा है। तावुचुर उद्धवम प्रीता तत्संदेशागत स्मृति, दो बार है, ज्ञात्वा आत्मानम अधोक्षजम, दो बार, एक बार पीछे, तावुचुर उद्धवम प्रीता तत्संदेशागत स्मृति। उद्धव जी ने जब संदेश दिया, करे हाँ ये बात तो बिल्कुल पक्की है, रात के दिन तो हमको बिल्कुल बंद कमरे में आके मिले थे, बंद कमरे में कैसे आ गए, ताला तोड़ा नहीं, दीवार तोड़ी नहीं, छत फाड़ा नहीं, वहाँ कैसे निकल आए, हमको मिले थे। दूसरी ने कहा सखी हमको भी मिले थे, अरे सबके घर में, कहाँ सबके घर में आके मिले थे, अरे रास करते समय हमारे साथ नाच रहे थे, हमारे साथ नाच रहे थे, हमारे साथ नाच रहे थे, हमारे साथ जमुना में विहार किया था, हैं? तो हमारे साथ एक साथ, अरे तब क्या बात है,
तो फिर कृष्ण कोई एक तो नहीं है कि मथुरा चले गए तो चले गए। जहाँ श्री कृष्ण का संदेश मिला आगत स्मृति ही आगत स्मृतया प्रथमार्थे द्वितीया सतत संदेश आगत स्मृति ही। अब जहाँ श्री कृष्ण का संदेश मिला और वो तो बोले हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है प्यारे तो हमारे पास नहीं है ये हम लोगों की भूल थी। अरे हमको भी रोज मालूम पड़ता है कि हम समझते थे कि सपने में आके मिलते हैं हमारे मनोराज्य में आके मिलते हैं वो हमारे मन का ही ये तन्मयता है कि हमको मालूम पड़ते हैं। अरे ये तो हमारी गलती है वो हमारा सपना नहीं था वो हमारी तन्मयता नहीं थी। जब हम व्याकुल हो जाते हैं उनसे मिलने के लिए तब वो स्वयं आकर हमसे मिलते हैं। तत्संदेशागत स्मृति ही आगत स्मृति ही स्मृति आ गई कि ठीक है। रसिक लोग कहते हैं कि भले उद्धव जी ने संदेश दिया हो रसिकों का दूसरा वो कहते तत्संदेशागत स्मृति अगत स्मृति अगत स्मृति माने वो जो प्यार की बातें हैं वो ज्ञान की बात सुन करके भूली नहीं अगत स्मृति ही उनकी स्मृति विगत नहीं हुई गत नहीं हुई उनकी स्मृति ज्यों की त्यों बनी रही का ज्ञान भी हो गया कि हाँ सब जगह है हमेशा मिलते हैं लेकिन फिर भी वही बात उनके दिमाग में भरी रही। इस ज्ञानोपदेश से गोपियों के प्रेम जन्य स्मृति में कोई किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ा। तत्संदेशागत स्मृति गोप्य उचु दिष्ट्या हितो हतः कंसो यदूनाम सानुगोग कृत दिष्ट्याप्तैर् लब्ध सर्वार्थैः कुसल्यास्ते च्युतोऽधुना। आप गोपियों ने बिल्कुल बात बदल दी रसांतर हो गया। अरे उद्धव जी हम तो उदाहरण देने में लग गई और तुम उनका ज्ञान सुनाने में लग गए हमने तो श्री कृष्ण का अपने प्यारे का कुछ कुशल मंगल तो पूछे ही नहीं। हमको बड़ी खुशी है उद्धव जी हम कोई नाराज थोड़े ही हैं। अरे तो कभी जोश आ गया मुंह से कोई बात निकल गई है तुम भी माफ करना वो भी माफ करेंगे ये तो थोड़ी देर के लिए हमारा मूड ही बिगड़ गया था बोला। अच्छा आप बताओ तो सही दिष्ट्या हितो हतः कंसः ये बड़े सौभाग्य की बात है कि जो अहित करने वाला कंस था वो मारा गया। किसका सौभाग्य है कृष्ण का बोले ना ना सौभाग्य तो हमारा है कि हमारे प्यारे की जीत हुई ये हमारा दिष्ट्यास्मा का। अरे भाई कंस अपने मामा के बेटे को मारते हैं ये तो अच्छी ही बात नहीं है बोले नहीं नहीं दिष्ट्या आता कंस सौभाग्य नहीं आता कंस का ऐसा प्रारब्ध ही था कि वो कृष्ण के हाथों मारा जाए नहीं तो हमारे इतने सुकुमार प्यारे और इतने क्रूर असुर को वो कैसे मारते। तो बोले ठीक है जो दूसरे को हानि पहुंचाना चाहता है उसको वो हानि पहुंचाने का जो भाव है वही असुर होकर के मार देता है। ये बात भागवत में है रावण जब मरा ना तो उस प्रसंग में हिंसा स्वपापेन विहिंसितः कलह साधु समत्वेन भयात् विमुच्यते जो किसी की बुराई चाहता है उसको बुराई करने का जो ख्याल है वही उसको मार डालता है और साधु के मन में किसी की बुराई करने का ख्याल नहीं होता इसलिए उसके जीवन में कोई भय नहीं आता है। साधु अहिंसा स्वपापेन विहिंसितः कलह साधु समत्वेन भयात् विमुच्यते। गोपी ने कहा कि देखो ये जो कंस था ये अहित था सबका अहित करता था जदुवंशियों का जदु नाम अहितः जदुओं का अहित करता था हमारा भी अहित ही था हमारे प्यारे को ले गया तो हमारा भी अहित था और कंस को असुरों से मरवाना चाहता था उनका भी अहित था वो किसी का भला नहीं चाहता था। अच्छा हुआ तो जदु नाम दिष्ट्या कंस स्वदिष्ट्या अस्माकं दिष्ट्या यदु नाम दिष्ट्या
जदुवंशियों का सौभाग्य है कि कंस मारा गया। असल में भगवत प्राप्ति में बाधक जो है वो कंस है, वो कसी हिंसाया कंसति, जो अभिमान उत्पन्न करके मनुष्य को टुकड़े टुकड़े कर देता है। जितना अभिमान उतना ही परिच्छेद सृष्टि में आता है। भगवान ने इस हिंसक, इस दैत्य, इस दैत्य को मार दिया। बहुत बढ़िया। एक बात और, अघकृत पापी था ना, अघकृत माने दुखदाई। ये जिसको पाप कहते हैं, पाप शब्द का अर्थ होता अघ, अघ शब्द का अर्थ है न हन्यते भोगम बिना इति अघा। ये जैसे आप पुण्य करें, कोई बढ़िया काम करें और सरकार ने पुरस्कार दिया आपको, हम 5,000,000 रुपए आपको पुरस्कार देते हैं, आप बड़े विनय के साथ लिख दीजिए कि हमको पुरस्कार की आवश्यकता नहीं है, वो सरकार अपने उद्देश्यों की पूर्ति में खर्च करे, कहीं बाढ़ पीड़ितों को दे, कहीं सूखा पीड़ितों को दे, तो सरकार वापस ले लेगी वो पुरस्कार, लेके उसको काम में लगा देगी। लेकिन आपको जुर्माना कर दिया जाए तो, कि आपने अमुक अपराध किया है और 5,000 जुर्माना करते हैं आपको, बोले हम बड़े विनय के साथ वापिस करते हैं, है ना? तो पाप का जो फल है वो बिना भोग के नष्ट नहीं होता, और पुण्य का जो फल है वो बिना भोग के भी नष्ट हो सकता है, बल्कि उसको दूसरों को दे भी सकते हैं और देने का और भी पुण्य हो सकता है। तो अघ माने होता है न हन्यते भोगम बिना, भोग के बिना जो नष्ट न होए उसका नाम अघ। तो कंस कैसा था? पाप में तीन बात होती है, करने के पहले तो होती है वासना, और करने के बाद होता है दुख, और करते समय होता है विक्षेप। दुखदायी उद्वेग होता है, अपने आप को ही होता है। तो अभिमान में से निकला, वासना होकर के अंकुरित हुआ, और क्रिया में दूसरे को दुख पहुंचाया, और परिणाम में अपने को दुख पहुंचाया, इसका नाम होता है दुख, इसका नाम होता है पाप। पाप माने दुखदायी क्रिया विशेष, दुख परिणामी क्रिया विशेष का नाम पाप है। ये पा धातु रक्षणार्थ कही है, और उणादि में प प्रत्यय होता है पा धातु से अपादान के अर्थ में, जो संरक्षण से बाहर है, पापी की रक्षा कोई नहीं करता है, संरक्षण से मुक्त हो गया वो, अब कोई उसकी रक्षा करने वाला नहीं है, क्योंकि पाप उसके साथ ऐसा चिपका कि वो उसको दुख दे करके छोड़ेगा। तो अघकृत, और अकृत का एक बड़ा सीधा अर्थ है, कंस ने अघासुर को भेज दिया था काय के लिए, अथागनामा व्यपतन महासुरा, महासुराया महाराज, देवता लोग भी डरते रहते हैं कि यदि ये होगा तो हमको स्वर्ग में से ये खींच लेगा, वो निगल जाएगा हमको, और आकर के उसने भक्तों को दुख दिया, बछड़ों को, निर्दोषों को, निर्दोष बछड़ों को निगलना चाहा और भगवान के भक्तों को निगलना चाहा। भगवान ने कहा जहाँ हमारे भक्त होते हैं वहाँ मैं भी होता हूँ। निर्दोष व्यक्ति के साथ और अपने भक्त के साथ भगवान पाप के मुंह में प्रवेश करके भी उनकी रक्षा करते हैं। अघकृत, तो बहुत बढ़िया हुआ। दिष्ट्या तैर्लब्ध सर्वार्थैः कुशल्या ते च्युतोऽधुना। उद्धव जी, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि जो उनके सगे संबंधी थे जदुवंशी, उनका सब मनोरथ पूरा हो गया, और इस समय श्री कृष्ण उनके साथ कुशली हैं। बस हमको तो यही चाहिए कि श्री कृष्ण जहाँ रहे कुशल से रहे, है ना? हमारे बीच में नहीं है तो क्या, कंस को मार दिया, राज मिल गया, और उनके सगे संबंधी सुखी हो गए, और कृष्ण भी बहुत सुखी हैं। बस इसको तो हम अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानते हैं। कच्चित गदा ग्रज सौम्य करोति पुरजोषिता, प्रीतिम नहा स्निग्ध सब्रीड हासोदारे क्षणार्चिता। अरे हमको मालूम है उद्धव जी, कुछ व्यंग भी थोड़ा थोड़ा है ही, प्रेम में
व्यंग के लिए थोड़ा सा स्थान होता है, परंतु वो दुख पहुंचाने के लिए नहीं होता है, वो छेड़छाड़ करने के लिए। जैसे आपस में प्रेम करते हैं, उन्होंने उनको हल्का सा चपत लगा दिया, उन्होंने उनको छेड़ दिया, उन्होंने उनको चिकोटी काट ली, तो वो दुख पहुंचाने के लिए नहीं होता है। वो ये दिल को गुदगुदाने के लिए, सोते हुए दिल को जगाने के लिए होता है। अपने प्यारे को दुख देने के लिए ताना नहीं मारा जाता है, उसके साथ छेड़छाड़ करने के लिए कितना अपना है। तो कच्चित गदाग्रज सौम्य करोति पुरजोषिताम प्रीतिम नहा स्निग्ध सब्रीड हासोदारे क्षणार्चितः। पूछते हैं गोपियां कि उद्धव जी तुम तो बड़े भोले भाले हो, उद्धव तुम भय बौरे पाती लेके आए दौरे, बड़े भोले हो सौम्य, चंद्रमा जैसे सरल स्वभाव से सबके ऊपर रस की वर्षा करता है, ऐसे तुम सोमय हो सौम्य। और उमया सहित सोमा शिवा उमा सहायम परमेश्वरम विभुम सोमा तद्वत अनुग्रहशील स्वभाव जस्य सौम्य सोमस्यापत्याम उमान सौम्य बुधा। तो बोले तुम तो बड़े भोले पंडित तो हो, परंतु जरा सीधे साधे हो, तो तुम तो कृष्ण के किसी काम में दोष नहीं देखते हो ना। कहा नहीं गोपियों, हमने तो कृष्ण के किसी काम में कभी दोष नहीं दिया। तब तो तुम्हारे सामने वो सब कुछ करते ही होंगे, तो जरा बताओ तो कि उनके सामने उनके पास जो नगर की नागरी स्त्रियां आती हैं, उनको उनके साथ खूब प्रेम करते हैं। अरे गोपी क्या बोलती हो, वो नागरी स्त्रियों के साथ प्रेम क्यों करेंगे, नागरी स्त्रियों की हिम्मत है तो उनके सामने आ जाए। नहीं उद्धव जी, तुमको ये बात मालूम नहीं है, ये बात दुनिया में प्रसिद्ध हो गई है कि गोपियों ने श्री कृष्ण से प्रेम किया। नहा स्निग्ध सब्रीद हासो दारे क्षणार्चिता, हमने बड़े स्नेह से उनकी ओर देखा, हमारी प्रेम भरी चितवन, ये लोगों को मालूम है कि गोपियां बड़े प्रेम से कृष्ण की ओर देखती थी। ये मालूम है कि पहले मिलने में शर्माती थी सब्रीद, प्रथम मिलन में शर्माती थी, और फिर धीरे धीरे मुस्कराने लगती थी, हंसने लगती थी, और फिर उदारे क्षणार्चिता, हमारी जो उदार दृष्टि है उस उदार दृष्टि से हमने कृष्ण की पूजा की है, सत्कार किया है। माने हमको कुछ उनके प्रति कुछ भी अर्पण करने में हमको कोई संकोच नहीं था। ये उदारता हो, बड़ी भारी उदार, भागवत में भगवान के नाम को उदार लिखा है, भगवान के चरित्र को उदार लिखा है। तो उदारता कैसी होती है आपको क्या सुना मैं? बाबा के आश्रम में, उड़िया बाबा जी महाराज के आश्रम में एक कहार है, अभी जिंदा है, 30-40 वर्ष से बाबा की सेवा में हो रहा। तो जब आश्रम के लिए साग सब्जी लेने के लिए वो जाता था बाजार में, तो वहाँ तो सैकड़ों आदमी भोजन करते, कभी कभी 5-5 हजार भी करते। तो वो सब्जी लेने के लिए रुपया लेके जाता और खाली हाथ लौटता। और पूछते भाई क्या हुआ? कमराज एक गरीब था, बड़ा रो रहा था, दुखी था, हम तो उसको दे आए। एक दिन आश्रम के लोग सब्जी नहीं खाएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा, ऐसे बोलता था। एक दिन आश्रम के लोग सब्जी नहीं खाएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा, गरीब तो घर पे भोजन करेंगे, ऐसे कह देता था। अच्छा बाबा, हमने खर्च तो कर दिया, अब हम कमा के धीरे धीरे दे देंगे, हमारे नाम से लिखवा दो। तो असल में उदार वो होता है जो अपनी शक्ति से अधिक अपने मालिक का भी दान कर सकता हो, उसको उदार कहते हैं। हमारी आंखें उदार, हमारी चितवन उदार। कैसे उदार? कैसे कि आंख
ऐसी आंख जो आंख वाले को ही उठाकर दान कर दे, जिसको देखती हैं उसको अपने मालिक का ही दान कर देती हैं। लो ये मालिक मालिक नहीं है, मैं मालिक हूँ, लो हमारा मालिक, हम अपने मालिक को तुम्हें दान करते हैं, उसको बोलते हैं उदार। तो गोपियों की आंख जो कैसी उदार, स्नेह से भरपूर और थोड़ी लज्जा से परिपूर्ण, निर्लज्ज नहीं है, और थोड़ी हंसी और खुली उदार चितवन। तो गोपियों ने कहा हमने कृष्ण की ऐसी पूजा की और ये बात हो गई लोक में प्रसिद्ध। तो नागरी स्त्रियों ने सुन लिया होगा कि महाराज ये तो स्त्रियों की भी पूजा स्वीकार करते हैं। हेलो, अच्छा तब इनके पास कोई संकोच नहीं है, जब गोपियों की पूजा स्वीकार की तो हमारी पूजा भी स्वीकार करेंगे, इनके पास जाने में छुट्टी हो गई। तो वही कृष्ण है ना। अब उद्धव जी देखो तुम तो बड़े अंतरंग हो, ये जब नागरी स्त्रियों में बैठते हैं कृष्ण तो कैसे कैसे उनकी पूजा स्वीकार करते हैं जरा हमको बताओ। तो कच्चित गदाग्रज सौम्य, वहाँ जाके वो जो वसुदेव जी के भाई थे देवरा, उनके बेटे थे गद, परंतु महाराज गद जो है वो अपने को देवराज का बेटा न मान करके वसुदेव का बेटा मानते थे। बोले कि मैं श्री कृष्ण का बड़ा भाई। लो जहाँ होती है ना बस, रिश्तेदार तो बहुत हो जाते हैं ना, कोई मिनिस्टर होता है तो उसके भाई बंधु रिश्तेदार नातेदार कितने निकल जाते हैं। आप लोग जानते हैं हमारे लाल बहादुर शास्त्री जो प्रधानमंत्री हुए वो हमारे गांव के पास के राम शास्त्री के पास, तो नारायण महाराज जितने कायस्थाव है वो सब कहे हमारे नाना का नानी का हमारी बुआ का हमारी दादा का दादी का, ये रिश्ता इनके साथ जुड़ा हुआ है। तो बड़े आदमी के साथ रिश्ता जोड़ने में लोग बहुत उदारता बरतते हैं। हाँ हमारे रिश्तेदार लगते हैं। अब ये महाराज था तो चाचा ताऊ का लड़का, लेकिन कहता था नहीं नहीं श्री कृष्ण पर हावी हो जाता, हे देखो हमारी बात मानो मैं तुमसे बड़ा। श्री गदाग्रजा वह वहाँ जाके जदुवंशी गद के बड़े भाई बन गए। तो जब भाई बन गए तो अब जो वहाँ की नागरी शहरी स्त्रियाँ हो, नागरी माने शहरी, गांव की तो बिचारी सीधी सादी होती हैं, भोली भाली होती हैं, उनके पास ज्यादा नखरा भी नहीं होता है। तो ये नागरी जो हैं, ये शहराती जो स्त्रियाँ हैं ये उनको घेर के रहती होंगी, तो सारा प्रेम इन्होंने उनको दे दिया होगा। तुम बताओ उद्धव जी, तुमको तो मालूम है कथम रति विशेषज्ञ प्रियश्च वरजोषिताम नानुबद्धे तद्वाक्य विप्रमयश्चानुभावित। इतना नखरा होता है उनमें नागरी स्त्रियों में, और महाराज इतना ढंग उनको आता है कि वो श्री कृष्ण को जरूर फंसा लेंगे हम समझते हैं, क्योंकि वो तो भोले भाले गवार गांव के हैं, और यहाँ गोपियाँ उनसे बहुत प्रेम करती। नागरी स्त्रियों को ये बात मालूम हो गया है तो अब श्री कृष्ण को वो अपने नखरों में और अपनी मीठी मीठी बातों में अपनी श्रृंगार की चेष्टाओं में हमारे प्यारे कृष्ण को फंसाए लेंगी, अब वो आने नहीं देंगी। उद्धव जी तुम कहते हो आवेंगे आवेंगे, हमको तो विश्वास ही नहीं होता कि तुम्हारी बात भी कुछ सच्ची है। अब महाराज वो कहा ज्ञान की बात, योग की बात, ध्यान की बात, गोपियाँ तो जैसे साधारण लौकिक भूमिका में रह करके कोई अपने प्यारे की चर्चा करता हो ऐसे उनकी चर्चा में डूब गई, माने उद्धव जी के ज्ञान संदेश का कोई असर नहीं पड़ा। गोपियों की जो भूमिका है वो धर्म से भी ऊंची है, योग से भी ऊंची है, ज्ञान से भी ऊंची है, इनको तो साक्षात भगवान प्राप्त है, इसलिए यहाँ महाराज किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।